सानहा साहिबाल का जिम्मेदार कौन? सब जीआईटी रिपोर्ट के मंतजर। किसने गोलियां चलाई, किसने मिस हैंडल किया? सीटीडी ने बार बार बयानात क्यों बदले? क्राइम सीन को महफूज क्यों ना किया गया? फ्रांसिक माहरीन की खिदमात क्यों नहीं ली गई? वाक़े से मुतल्लिक अहम सवालात जवाब तलब। पूरी कौम को शाम 5 बजे का इंतजार। मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें। कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें क्या रिपोर्ट आती है, फिर मेरे से सवाल। पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तो आने दें, जैसे रिपोर्ट एस्टेब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करा और करके फिर दिखाऊंगा। वज़ीर आज़म सानहा साहिबाल पर शदीद बरहम, अफसरान की कुर्सियां खतरे में, पुलिस अफसरान परेशान, मलबा किस पर गिरेगा? जीआईटी ने हतमी सिफारिशात तैयार कर ली, सबकी नज़रें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और जीआईटी पर। आईजी पंजाब का ओहदा अहम हो गया। सानहा साहिबाल पर हुकूमत की बौखलाहट, पहले जीआईटी के बाद दूसरी जीआईटी, फिर 5 मजीद अफसरान की एंट्री। जीआईटी की मामलत के लिए 5 अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। इंस्पेक्टर इमदाद हुसैन, इंस्पेक्टर मंजूर अहमद, सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद, सब इंस्पेक्टर राना यूनस, एएसआई जाहिद इकबाल शामिल। पुलिस अफसरान जरूरत पड़ने पर जीआईटी से तआवुन करेंगे। साहिवाल में खून की होली, हुकूमत की जानिब से अहम फैसले मतवक्के। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शाम 5 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और महकमे दाखिला के अफसरान शरीक होंगे। इजलास में जीआईटी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सानहा साहिबाल फिजा चौथे रोज भी सोगवार, ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। मकतूलीन खलील के लवाहिकीन गम से निढाल, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। इंसाफ ना मिला तो सड़कें ब्लॉक कर देंगे लवाहिकीन, हुकूमती जीआईटी पर यकीन नहीं, इंसाफ दिया जाए मकतूल के अहले खाना। सानहा साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को 24 जनवरी को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। सानहा साहिवाल की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई, आईजी पेश होकर वजाहत करें। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस अकेला जुडिशियल कमीशन कैसे कायम कर सकता है? सूबाई हुकूमत की सिफारिश से ही जुडिशियल कमीशन कायम होता है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, दरख्वास्त काबिले समाअत नहीं। सरकारी वकील का अदालत में बयान, हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार को वफाकी हुकूमत से रजू करने की हिदायत। कोर्ट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, जेल हुकाम ने नवाज शरीफ को तिब्बी मायने के लिए जेल से पीआईसी मुंतकिल कर दिया। प्रोफेसर शाहिद हमीद की सरबराही में डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम दिल के मुख्तलिफ टेस्ट करने में मसरूफ। नवाज शरीफ की ईसीजी, क्रेटिनिन टेस्ट और इको होगी। पनामा केस में नाअहली के बाद नवाज शरीफ को अपील का हक ना देने पर इंट्रा कोर्ट अपील समाप्त के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज अपील पर समाप्त करेगा। गोशवारे जमा कराने पर 56 मुअत्तल अराकीन असेंबली की रुकनियत बहाल। सूबाई वजीर हाशिम डोगर, मलिक अहमद खान, मोहम्मद अमीन, मलिक मोहम्मद रियाज की रुकनियत बहाल, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा ना करवाने वाले अराकीन की रुकनियत मुअत्तल की थी। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग से सनती पैदावार में 30% कमी। ब्लैक मार्केटिंग से पंजाब में सबसे ज्यादा लाहौर की इंडस्ट्री मुतासिर हुई। फिरोजपुर रोड और बंद रोड की इंडस्ट्री स्टील मुतासिर, मुतादिद स्टील री रोलिंग मिल्स और मुख्तलिफ सनतों के बॉयलर्स ठंडे होने लगे। सनतकार ओपन मार्केट से महंगी एलपीजी और फ्रांस ऑयल खरीद कर सनतों का पहिया चलाने पर मजबूर। बल्दियाती नुमाइंदगान को मुकम्मल इख्तियार और फंड्स ना देने के खिलाफ केस, हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर, लॉर्ड मेयर और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिए। 29 जनवरी को जवाब तलब। महकमा स्कूल एजुकेशन की
स्कूलों में खेलों के फरोग के लिए हंगामी इकदाम करने की हिदायत। हफ्ते में 3 पीरियड्स खेलों की सरगर्मियों के लिए मुख्तस स्पोर्ट्स टीचर को स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट मुहैया किया जाएंगे। खेलों के सामान के लिए स्पोर्ट्स रूम्स भी मुख्तस होंगे। स्कूल सरबराहान को मरासला। शोहरत याफ्ता क्रिकेटर हूँ, कई माह से बैरून मुल्क मुकीम, अपनी बीवी और बच्चे से मुलाकात नहीं कर सका। क्रिकेटर शाहजेब हसन ने नाम ECL से निकलवाने के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। FIA और PCB समेत कई महकमे में केस जेर अल्तवा नहीं, दरख्वास्त में मौकिफ, ECL से नाम निकालने की इस्तदा। नेशनल लॉ कॉलेज के प्रोफेसर्स का तलबा के हमरा हाईकोर्ट का दौरा, मुख्तलिफ शोबजात देखे, बुक मेले का दौरा भी किया। इंतजामिया की तलबा को अदालती अमूर पर ब्रीफिंग। रात को हल्की बारिश, बादलों के डेरे, आज फिर बरखा बरसने को तैयार। सूरज ने बादलों में मुंह छुपा लिया, काले बादल का आसमान पर गश्त जारी। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई।